छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव फिक्सिंग मामले में नया खुलासा हुआ है। मंतुराम पवार और अजीत जोगी के बीच हुई कथित बातचीत का एक और ऑडियो टेप सामने आया है। टेप में मंतुराम पवार ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऑडियो में मंतुराम ने कहा है कि राजनीतिक सौदेबाजी के तहत लाल बत्ती जैसी कई चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। ऑडियो से लग रहा है कि मंतुराम के नाम वापसी के पीछे राजनीतिक सौदेबाजी थी। ऑडियो से ये भी मालूम हो रहा है कि अजीत जोगी और रमन सिंह में कथित सौदेबाजी हुई थी। तो आपको बता दें कि ये एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव फिक्सिंग मामले में एक नया खुलासा हुआ है, या यूं कहें कि और एक नया मोड़ आ गया है सामने कि मंतुराम पवार और अजीत जोगी के बीच हुई कथित बातचीत का एक और ऑडियो टेप सामने आया है। टेप में मंतुराम पवार ने ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऑडियो में मंतुराम ने कहा है कि राजनीतिक सौदेबाजी के तहत लाल बत्ती जैसी कई चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। हेलो हेलो हाँ मंटू। हाँ भैया प्रणाम। खुश रहो यार, खुश रहो, क्या हाल है? दिवाली मुबारक। धन्यवाद। आपको मुबारक। तबीयत कैसा है भैया? हाँ तबीयत ठीक है। हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक। जी, वही भैया अपना नहीं कि पुराना वाला ही, सीएम साहब से भी बात कर लेते ना। एक बार बात तो हुई थी अमित की, मेरी दोनों जी, पर उसके बाद पता नहीं क्या कर पाएंगे यार। अब इनको अपन लोग ज्यादा बहुत, मैं भी तो पढ़ा नहीं था ना, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये लोगों को बोलना चाहिए जो बीच में पढ़े थे। नहीं बोलो भैया, देखिए अमीन भाई आए थे ना, आप आपसे जब बात करवाए, मैं तो देखिए आपका ही हूँ, आपके ऊपर इतना विश्वास है भैया, बोले आप ही के कारण मैं की। मेरे थे और हो और रहोगे। नहीं जो कमेंट किया है सामने वाला भैया, जैसे यानी कि अमीन भाई भी बात की, तो सीधा सीधा मेरा तो यानी कि पहले था कि चलो यानी कि पैसा वैसा वाली भी तो बात का बात का था। पहले तो यानी कि लाल बत्ती वाला था, उसके बाद एक बंगला का था, फिर लास्ट में विधानसभा टिकट का था, ये सारे बात हुई थी भैया उसमें। और अभी यानी कि कल या परसों सीएम का ऐसे मैसेज था कि अभी जल्दी नियुक्ति करने वाले हैं निगम मंडल का बोल के, लगभग नाम था। आप जब तक यानी कि प्रेशर नहीं डालोगे ना भैया, नहीं कर पाएगा। नहीं तो मैं तो कहीं नहीं रहूंगा भैया, क्योंकि राजनीति मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने तैयार हूँ यार। तुम मेरे छोटे भाई हो और कहीं भी रहो कैसे भी रहो, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके बात करने को तैयार हूँ, अगर ये सब उसने कहा है तो उसको करना चाहिए। नहीं पर भैया इसको अमित भाई को बोल के नहीं कि क्लियर तो नहीं की करे ना, तब तो नहीं की, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ भैया। मैं दो तीन बार सीएम साहब से मिला भी, मैं बोला भी भैया नहीं कि ये सब बात हुई थी, आपने कमेंट किया था, सामने वालों ने बात कहा है, लेकिन मैं अपना नाम वापस लिया। नहीं तो आप जब मिलते हो तो बोलते क्यों नहीं? नहीं मैं बोलता हूँ भैया, मैं सीएम साहब को तीन चार बार बोला इस बात को, पर डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई ना, अमित भाई के माध्यम से बात हुई है, तो उससे नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मैं आप परसों करता हूँ उसको पूरी गंभीरता। मैं तो क्या है भैया, क्षेत्र में भी अभी जाता हूँ ना, मेरा तो ऐसी स्थिति है, मैं तो नक्सलाइट के भी टारगेट में आ गया ना, जो कंडीशन ना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहा भैया। मैं तो मेरे पास सोसाइटी के अलावा कुछ नहीं की रास्ता नहीं है, मेरे को तो मरना ही होगा, फिर राजनीति में ये कंडीशन हो गया मेरा। मैं मजबूरी वर्ष देखिए भैया, मैं आपको ये बात को बोल रहा हूँ, हमारे रहते तेरे को ये सब नहीं करना पड़ेगा। हम लोग है यार, राजनीति अपनी जगह है और अपना रिश्ता तो है। देखिए भैया यानी कि क्षेत्र में सही ढंग से जा नहीं पा रहा हूँ, वहाँ यानी कि मैं किसी को जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, मैं इधर का ना उधर का हूँ, उधर से टारगेट में आ गया कहीं। हाँ विशेष करके आपके लिए किया भैया, मैं तो आपके नाम से आपके लिए मैं किया, अमीन भाई आ गए और सारे चीज को बताए। कोई बात नहीं, मैं जो तुम बता रहे हो उस आधार को बात करूंगा जी, बहुत जल्दी भैया, क्योंकि इन लोगों ने की सूची उची लगभग यानी कि फाइनली कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना बंगला दिए मेरे को रुकने के लिए, ना कुछ नहीं, ना कोई आगे बात कर रहे हैं।
मैं तो भैया आपको कभी नहीं बोला, इतना यानी कि सम्मान करता हूँ, मेरे को मजबूरी, मैंने कि अभी एकदम ऐसी स्थिति में हो गया हूँ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये कंडीशन है। चल मैं पर्सनली बात करूंगा। अब आप पर्सनल बात कीजिए, डायरेक्ट आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो नहीं होगा भैया, मेरा 100% विश्वास है, आप करोगे तो तुरंत हो जाएगा, अभी यानी सूची में नाम आ जाएगा। हाँ देखो मैं तो बात करता हूँ। जी 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 ठीक है भैया, प्रणाम।